नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, जहां झांसी में चोरों ने बीती रात्रि जन्माष्टमी के त्योहार पर भगवान श्री कृष्ण के सोने चांदी के जेवरात चोरी करके चंपत हो गए। इसके साथ ही चोरों ने खुलेआम पुलिस विभाग के अभियान दृष्टि को चुनौती दे दी है और बीती देर रात्रि अज्ञात चोर मुरली मनोहर मंदिर से भगवान कृष्ण के जेवरात उड़ाकर चंपत हो गए। दरअसल मोट कोतवाली इलाके के कस्बा में बने मुरली मनोहर मंदिर में अज्ञात चोरों ने भगवान के सोने चांदी के जेवरात चोरी करके वहां से भाग खड़े हुए। साथ ही सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो भगवान के जन्मदिन पर ही चोरों ने भगवान के घर में डाका डाल दिया। वही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। ये सुबह हमें करीब 6 बजे पौने 6 बजे करीब इन्होंने, पुजारी जी ने फ़ोन किया कि मंदिर में चोरी हो गई है। तो मैं तुरंत यहाँ आया, पुलिस को भी सूचना की। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, सीओ साहब, दरोगा जी सब लोग आए, निरीक्षण भी किया। और जो चोरी गया है सामान वो है ठाकुर जी के जो छत्र ऊपर होते हैं चांदी के। हरदोई में संयुक्त रसोईया मोर्चे के बैनर तले रसोइयों ने जिला मुख्यालय पर अनोखा प्रदर्शन करते हुए बेलन चमटा लेकर धरना दिया। साथ ही 5 माह का रुका हुआ मानदेय दिलाने की मांग भी की। इस दौरान रसोइयों ने हाथों में बेलन और चिमटा लेकर कहा कि मानदेय न मिलने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में रसोइयों की भीड़ जमा होने लगी और ये प्रदर्शन खास इसलिए देखने लगा क्योंकि प्रत्येक रसोइया अपने हाथ में बेलन और चिमटा लिए आक्रोशित होकर नारेबाजी कर रही थी। रसोइयों को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री जिलाध्यक्ष राजकुमार गौतम ने कहा कि अप्रैल माह से सितंबर तक रसोइयों का मानदेय नहीं मिला है, जिसे दिलाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी 1000 रुपये चाय नाश्ता के लिए एक दिन में खर्च कर देते हैं, लेकिन वो गांव के स्कूल में खाना बनाने वाली रसोइया का मानदेय नहीं देते हैं, जिसकी वजह से रसोइया बुरी तरह से आक्रोश में है और धरने प्रदर्शन पर बैठ गई हैं। मतलब हमारा लोगों को वेतन है जो वो ना बढ़ा रहे हैं ना दे रहे हैं टाइम से। 5 महीना हुआ है ना त्योहार में, ये अभी रक्षाबंधन हुआ, सब लोग मतलब तैयारी में लगे ना है, वेतन आए जी है और नहीं आया तो सब अपने अपने मतलब त्योहार तो निपटाए नहीं, ये नौकरी काहे के लिए करी जा रही। डोंगरपुर ब्लॉक से और प्राथमिक विद्यालय गौरवा से हम आए हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारा वेतन 5 महीने का नहीं मिला है और हमारा समय के अनुसार हमारा वेतन दिया जाए। सोनभद्र के निमियाडीह गांव के एक परिवार में महिला स्वरूपा देवी, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष बताया जा रहा है, वो कोविड पॉजिटिव हो चुकी हैं। जिले के मुखिया चिकित्सालय अधिकारी ने सजगता दिखाते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित कर ग्राउंड जीरो पर गांव में पहुंचकर स्थिति संभालने के लिए निर्देश दिया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम परिवार के संपर्क में आए लोगों की जांच कर रही है, आरटीपीसी टेस्ट किया जा रहा है, जिसके साथ ही जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जिला अधिकारी को पत्र लिखकर गाँव में लॉकडाउन करने का अनुरोध किया है। जी हाँ, दुद्धी के निमियाडीह गाँव में एक कल एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव महिला मिली, जिसका नाम है स्वरूपा देवी, उम्र 35 वर्ष, जिसके पति का नाम देव कुमार। सर्दी जुकाम बुखार का लक्षण था इनकी, जो है कोविड एंटीजन टेस्ट किया गया, उसमें रैपिड टेस्ट किया, इसमें पॉजिटिव निकला। पॉजिटिव निकलते उनके परिवार के अन्य सदस्यों का टेस्ट किया गया है। उनके संपर्क में आने वाले सभी की जाँच हेतु जो है टीम भेज कर जो है जाँच कराई जा रही है। झांसी की मोट नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों ने ईओ की नियुक्ति न होने से वेतन न मिलने के कारण एक हफ्ते से कम बंद कर काम को बंद कर दिया है और विरोध जताया है, जिसमें नगर में एक हफ्ते में जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर लग गए हैं। वही गंदगी से मच्छर पनप रहे हैं और नगर में बीमार लोगों की संख्या बढ़ने लग गई है, जिसमें नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी, व्यापार मंडल चेयरमैन प्रतिनिधि और नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ सभी सफाई कर्मी मोट तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने उपजिलाधिकारी को अपनी समस्याओं से भरा एक ज्ञापन सौंपा।
मामला ये है श्रीमान कि हमारे नगर पंचायत में पिछले 2 महीने से अशासकीय अधिकारी नहीं है, कर्मचारी हड़ताल पे पिछले विगत 1 हफ्ते से हैं, तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, तनख्वाह नहीं मिल पा रही कैसे परिवार का गुजारा करेंगे। माननीय DM साहब, माननीय SDM साहब, माननीय निदेशालय, हम सभी को अपने पत्र भेज चुके हैं। हमारी नगर पंचायत में हस्तक्षेप इतना है, चरम पर पहुंच चुका है। लोगों का जो आशा थी उस आशा के विपरीत हमारे ही लोग हमको काम करने से रोक रहे हैं, हमारे कामों को रोक रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं कि यो नहीं, कहीं ये नहीं, कहीं वो नहीं। हर्षित अग्रवाल, जिला महामंत्री, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। आज माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को व्यापार मंडल मोठ द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें नगर पंचायत मोठ द्वारा नगर में सफाई की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है पिछले 8 दिनों से, और पूरे बाजार में, गली मोहल्लों में गंदगी ही गंदगी पड़ी हुई है, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं और लोगों को आने जाने में और आवागमन करने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी रीज़न इसका ये है कि नगर पंचायत के जो कर्मचारी हैं, प्राइवेट अस्पताल के बाथरूम में एक कर्मचारी का शव पड़ा मिला। जी हाँ, अस्पताल के बाथरूम में मर्मचारी का, बताया जा रहा है कि कर्मचारी जो वहां पर काम कर रहे थे उनका शव पड़ा हुआ मिला, जिसकी वजह से पूरे एरिया में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतक कर्मचारी के पिता ने थाना पुलिस को तहरीर दे दी है। साथ ही थाना सदर कोतवाली के पास स्थित बंसल नर्सिंग हॉस्पिटल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बेटा हमारा शाम को ड्यूटी पे बंसल नर्सिंग होम पर आया, उसमें आया था डॉक्टर साहब, क्या तो रोजाना वहाँ पे आज ही आया था और ड्यूटी कर रहा था, और सुबह करीब 9 बजे के आसपास मुझे सूचना दी कि आपका बेटा। सहारनपुर से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां CJM कोर्ट का बाबू रोहताश सिंह खुद ही जज बन बैठा है। बताया जा रहा है कि इस बाबू ने 4 साल में 535 पत्रावालियों का खुद ही निपटारा कर दिया है। जिला जज को मिली शिकायत के बाद जांच करने पर मामला सही पाया गया, तब इस मामले का खुलासा हुआ। आरोपी क्लर्क 4 साल से खुद ही मामले का निपटारा कर रहा था। ताजा मामला थाना सदर बाजार के सामने का आया है, जिसमें जिला जज द्वारा एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें उक्त बाबू दोषी पाया गया जो फर्जी रिलीज ऑर्डर बनाता था। तो आज डिस्ट्रिक्ट जज के प्रशासनिक कार्यालय के वरिष्ठ सहायक मधुकर शर्मा ने सदर बाजार थाने में 2 FIR दर्ज कराई है। जी हाँ, ये परसों जो जिला जज सहारनपुर हैं उनके द्वारा जांच कमेटी का गठन किया गया था, जिस जांच कमेटी की रिपोर्ट के आउटकम में ये 2 FIR वहाँ पर सदर बाजार थाने में रजिस्टर हुई हैं, जिसमें CJM कोर्ट में एक जो बाबू हैं उनके द्वारा ये पाया गया था कि उन्होंने फर्जी रिलीज ऑर्डर बनाए थे। तो इसी क्रम में 2 FIR वहाँ पर रजिस्टर हुई सदर बाजार थाने में, संगत धाराओं में 420, 468 और 409 उसमें धाराएं लगी हुई हैं IPC की। DDMS के माध्यम से पुलिस अटेंडेंस को लगाने में पारदर्शिता आएगी। इसके साथ स्थिर और गतिशील दोनों प्रकार की ड्यूटी सर्वपर होगी और सुरक्षित होगी। अपर पुलिस आयुक्त ने DDMS ऐप लॉन्च कर दिया। इसके साथ ही आगरा कमिश्नरेट के सभी DCP, ACP इस दौरान मौजूद रहे। बीते दिनों में शिक्षक दिवस के मौके पर फीस को लेकर कॉलेज में हुए विवाद मामले में जिलाधिकारी में 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है। जांच टीम आज कॉलेज पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और निष्पक्ष जांच का दावा पेश कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला कादीपुर कोतवाली क्षेत्र में स्थित पंडित रामदेव इंटर कॉलेज मुस्तफाबाद सरैया का बताया जा रहा है, जहां शिक्षक दिवस के दिन ही कॉलेज में विवाद हो गया। जानकारी के मुताबिक प्रिंसिपल से शिक्षक सतीश मिश्रा की फीस के संबंधित में कहासुनी हुई थी। मामला इस कदर बढ़ गया कि मारपीट तक पहुंच गया। मारपीट में दोनों को चोटें आई थी। आरोपों के मुताबिक शिक्षक सतीश मिश्रा को लहूलुहान देख छात्र छात्राएं उग्र हो गए थे और कॉलेज परिसर में मारपीट के साथ साथ तोड़फोड़ भी किए थे। पूरे मामले की सूचना जब पुलिस को लगी तो पुलिस आनन-फानन में मौके पर पहुंची और चोटिल प्रिंसिपल और शिक्षक के इलाज के लिए अस्पताल भेजी। मैं भी एक शिक्षिका हूँ, मुंदर प्रताप इंटर कॉलेज बरगदवा महाराजगंज में। मैं भी इंटर कॉलेज की टीचर हूँ और मामला ये कि यहाँ पर प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य जी से सतीश मिश्र जो कि मेरे पति हैं उनसे शायद किसी फीस को लेकर के शायद कोई विवाद हो गया था।
दोनों में कुछ बहस हुई, जो भी यहाँ पर हुआ बच्चों ने उसको देखा, दोनों में मारपीट जैसा कुछ शायद माहौल बन गया और मेरे पति को नाक पे चोट आ गई, खून ब्लड आ गया और वो यहाँ बाहर गिर गए और शायद बच्चों ने उनको देखा और खून को देख करके बच्चे आक्रोशित हो गए और उन्होंने प्रधानाचार्य जी और प्रधानाचार्य पर हमला कर दिया। वही अगली खबर पीलीभीत से बताई जा रही है, जहां धूमधाम के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया गया। गांव की पूर्व महिला ग्राम प्रधान ज्ञानवती मिश्रा के पत्नी, वही पत्नी बताई जा रही है अनिल मिश्रा की, उनके द्वारा जन्मोत्सव की तैयारियां की गई। वही भारी संख्या में मंदिर प्रांगण में श्रद्धालु मौजूद रहे। ठाकुर श्री राधा रसिक बिहारी मंदिर प्रांगण में ये जन्मोत्सव को मनाया गया। बिसलपुर तहसील इलाके के बमरौली गांव में विराजमान ठाकुर श्री राधा रसिक बिहारी मंदिर प्रांगण का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घोसी विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की सुधाकर सिंह की बड़ी जीत के बाद पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जश्न का माहौल दिख रहा है। पूरे प्रदेश के सभी जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी को इजहार कर रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां भी दे रहे हैं। अगर वही बात करें सीएम सिटी गोरखपुर की, तो गोरखपुर में भी समाजवादी पार्टी के महानगर के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज शास्त्री चौक पर आम जनमानस में मिठाइयां बांटकर और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया गया। आज हम लोग गोरखपुर में जश्न का माहौल है। आज हम लोग शास्त्री चौक पे समाजवादी पार्टी महानगर की पूरी टीम के साथ आज हम लोग घोसी 354 विधानसभा का आज जीत दर्ज कराए हैं और हमारे वहाँ के विधायक सुधाकर सिंह को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं शुभकामनाएं देता हूँ और मेन शुभकामनाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और चाचा शिवपाल यादव को देता हूँ, जो वहाँ पे घोसी में 20 दिन से वहाँ डटे रहे। वही अगली खबर बस्ती से आ रही है, जहां कुआनो नदी में कलश विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। जहां विसर्जन के दौरान 4 लोग नदी में डूब गए, मामा भांजा नदी में लापता हो गए, वही 2 महिलाओं को बचाया गया। लापता लोगों की तलाश के लिए गोताखोरों की टीम को लगाई गई। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।